हेलो दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूँ ऐसी जगह जिसकी व्याख्या पुरानों में भी मिलता है। जी हाँ, यह है पुनपुन नदी का उद्गम स्थल। यह कुंड धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह झारखंड और बिहार के बॉर्डर के समीप झारखंड के पलामू में स्थित है। यह झारखंड के पलामू जिले के जपलस से लगभग 20 किलोमीटर और बिहार में औरंगाबाद जिला के नवीनगर से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। गरुड़ पुराण में व्याख्या है कि प्राचीन काल में यहाँ पे सनक ऋषि, सुनंद ऋषि, सनातन कपिल ऋषि और पंचशिख ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ऋषियों ने ब्रह्मा जी के चरण धोने के लिए पानी खोजा। जल ना मिलने पर ऋषियों ने अपने शरीर के पसीने को एक पात्र में एकत्र किया, जो कि गिर गया। ऋषियों ने फिर से पात्र में पसीने एकत्र किए, पात्र फिर से पलट गए और सारा पसीना गिर गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ऋषियों के द्वारा जमा किया हुआ पसीना पुनः पुनः गिर जा रहा, तो उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा पुनः पुनः। उसके बाद यहाँ से असहस्त्र धारा निकली। इसी से ऋषियों ने इसका नाम पुनः पुनः रख दिया, जो कि अब पुनपुन के नाम से मशहूर है। तभी ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो भी कोई इस नदी के तट पर अपने पूर्वजों का पिंड दान करेगा, वो अपने पूर्वजों को स्वर्ग पहुँचाएगा। उसी के बाद से ही पितृपक्ष में पहला पिंड पुनपुन नदी के तट पर देने का विधान है। मान्यता है कि श्री राम जी ने अपने पिता राजा दशरथ के प्रथम पिंडदान इसी नदी के तट के किनारे किए थे, जबकि दूसरा पिंडदान श्री राम जी ने फल्गु नदी के तट पर गया में करने गए थे, पर किसी कारणवश माता सीता जी ने राजा दशरथ जी के फल्गु नदी के तट पर पिंड दान कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ है। इसी बरगद के पेड़ के नीचे ऋषियों ने अन्न जल त्याग कर घोर तपस्या की थी। यहाँ पर यह एक मंदिर है जिसकी सुंदरता पानी और पत्थरों के कारण और भी बढ़ जाती है। पानी के जस्ट ऊपर होने के कारण मंदिर और भी सुकून भरा होता है। लोगों का यहाँ आवागमन पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा ही होता है। लोग आते हैं, स्नान करते हैं और मंदिर में पूजा अर्चन करते हैं। पूजा करने के बाद यहाँ पे कुछ दान भी देते हैं। यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि ब्रह्मा जी यहाँ पर पधारे थे, अर्थात ब्रह्मा जी के चरण यहाँ स्पर्श हुए थे, इसलिए जो भी कोई यहाँ के अपना मनोकामना मांगता है उसकी पूर्ण हो जाती है।